एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नौमान और एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है मिक्स पति जनाब। हर पीर और मंगल वाले दिन इस शो में हम आपके सामने हाजिर होते हैं रात 9 बजे। ये 1.5 घंटे का जो सिलसिला है ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। हम इसमें बहुत इंजॉय करते हैं, बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आते हैं। उन चीज़ों में कंटेंट होता है, उसमें अपडेट्स होती हैं, न्यूज़ होती हैं, मौसीकी होती है, उसमें रिव्यूज़ होते हैं, हमारे गेस्ट होते हैं और हमारा बैंड होता है और आप होते हैं, आपका फीडबैक होता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें मोटिवेटेड रखने के लिए, हमें बताने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं। जनाब देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हर जो फेज़ है उसको वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के तो जाता ही जाता है और उसे डेफिनेटली हम सीखते भी हैं। अक्लमंद वही लोग होते हैं जो ठोकर खा के एक ही बार समझ जाए, बार बार उनको वो चीज़ रिपीट ना करनी पड़े। मुझे समझ नहीं आ रही है मेरा बैंड क्यों हंस रहा है, लेकिन पता नहीं इन्हें आज मेरी शक्ल में कोई और नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से, या आज मैं कुछ डिफरेंट लग रही हूँ। जरा ये भी एक फ़ेज़ है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सेहत के बहुत सारे पहलू हैं और हर पहलू का, हर सेहत के सिलसिले का जो है ख्याल रखना पड़ता है, हमारी आई साइड जो है वो भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। और जब आप उसे इग्नोर कर देते हैं और फिर आपको डॉक्टर बताता है कि जी मामला ख़राब हो चुका है, तो फिर मामला
सही करना मुश्किल होता है. सो इट्स गुड कि टाइमली आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं और फिर आप जो है चश्मा पहने, और अगर कोई चश्मे में इतना प्यारा लगता हो तो वाई नॉट. जनाब आज हमारा बैंड मौजूद है और हमारे बैंड में सबसे पहले सरोश. आज ग्रीन ग्रीन, आई अंडरस्टैंड कि इंडिपेंडेंस डे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड वी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट. द होल फैमिली इज सो एक्साइटेड अबाउट इट. आप मेरे ड्रेस पे ये सब्ज हिलाली परचम का जो बैज है वो देख सकते हैं. हमारे दिल के बहुत करीब है डेफिनेटली जनाब. और इसको सिर्फ हम, ये एक सिंबल नहीं है, इसको पहन लेना या इसको नुमाइश करना ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे करीब आ रहा है, तो ये वाकई हमारे दिल के बहुत करीब है ये वतन. नो मैटर व्हाट, चाहे जो मर्जी हो जाए, अच्छे हालात में तो आप कहते हैं ना शो कराते हैं पेट्रियाटिज्म. बात यह है कि जब हालात थोड़े से ऊपर नीचे हों तब आप अपने मुल्क से मोहब्बत का जो है वो प्रूफ दें और आप बताएं कि आपको अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है. तो जनाब नो मैटर व्हाट, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, एक तो हम पाकिस्तानी कहलाएंगे और इस ही वतन की वजह से हमारी इज्जत भी है, इसी वतन की वजह से लोग हमें जानते भी हैं. वरना आप इस वतन से बाहर जाएँ और जो लोग चले भी गए हैं परदेश में हो तो उनसे पूछें कि ज़िंदगी कैसी है. सो इट्स वेरी गुड कि नो मैटर व्हाट, हालात अच्छे बुरे आते रहते हैं, अपने मुल्क से जुड़े रहें, अपनी मिट्टी से जुड़े रहें. और ये पैगाम जो है ना ये लोगों को समझने की ज़रूरत है. हमारे साथ बहुत ही प्यारे ग्रीन कलर के शर्ट्स में हमारा ब्रांड नहीं है ये भी, वैसे ये मिक्स पत्ती का ब्रांड है जनाब. हमारे साथ मौजूद है हमारा बैंड वी पर्ल्स और सबसे सरोश मौजूद है बेस गिटार पे. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? कैसे हैं बड़े आप, झंडे बने हुए ठीक है, जबरदस्त जी. आप कैसी? मैं भी ग्लासेस में माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है. ग्लासेस अच्छी लग रही हैं, बस मेरी शक्ल ना किसी से मिल रही है, वो भी मुझे पसंद बड़ी है ना, इसीलिए अगर उनसे मिल भी रही है तो खैर है. आप पे बहुत सूट कर रही है माशाल्लाह. सूट कर रही है, ये मैंने उसमें शोखी में नहीं लगाई, यकीन माने नजर खराब हो गई, पढ़ा नहीं जाता था, समझ नहीं आती थी हुआ क्या, सर में दर्द होती थी, जब चेक कराया तो मामला खराब हो चुका था, लेकिन जरूरी है कोई बात नहीं. तो मैं नहीं बताऊंगी किससे मिल रही है, या फिर भाई आप मुझे पंप ना करें. अच्छा, उसके साथ जनाब हमारे साथ मौजूद हैं कीबोर्ड्स पे शामिल गोहर, और आप भी ग्रीन कलर की शर्ट में आए हैं. बस देख लीजिए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक. सबसे पहले तो आपकी ग्लासेस की तारीफ करना चाहेंगे. आई लुक गुड. क्या बात है जी, क्या बात है, मेरी क्या बात है, मुझे खुद भी नहीं पता मेरी क्या. नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. दूसरी बात ये, आपको पता है जी, पाकिस्तान का जहाँ पे नाम आएगा तो फिर हम तो ग्रीन फिर हो जाएंगे. ये पेट्रियोटिज्म, यही तो चाहिए जनाब, ये मोहब्बत है हमारी हमारे वतन के साथ, जो कि नो मैटर व्हाट खत्म नहीं हो सकती, कम भी नहीं हो सकती, बढ़ेगी, बुरे हालात में भी बढ़ेगी इंशाल्लाह जी. हम तो हमेशा हमारी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए बढ़ती रहेगी और बढ़ती ही जाएगी. बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया. मैं वैसे दिल में कर रही थी इनका कि इन्होंने मेरे साथ वो मेरे कदम तेज वतन तेज ए मेरे वतन तेज कदम में परफॉर्म किया, प्ले किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया. ये इसकी वजह से थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं, और अगर मैं कोई ऊपर नीचे बात कर दूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा. हमारे साथ जैगम मौजूद हैं जनाब, गिटार भी. पिछले कुछ अरसे से सितारों की गर्दिश में बिल्कुल ऐसे ही है. मैं चाहती हूँ सरोज पे जरा कैमरा कटे और सरोज लाल हो चुके हैं, हंस हंस के हमें पता चले. जैगम आजकल ना थोड़ा सितारों की गर्दिश में, जैगम कुछ सबको निकाले ठीक है ना, इससे पहले भी एक रहे शिकार, जरा थोड़ा सा बीमार थे और अभी इनका गिटार बीमार हो गया आज. तो ये आप सदका निकालें, अल्लाह ताला आप पे जो है अपना करम फरमाए, मजाक से हट के भी. ये छोटे छोटे जो है ना ये सिंबल्स होते हैं, ये छोटे छोटे चीज़ें जो हमारे साथ वाकयात हो रहे होते हैं, ये इस चीज़ का हमें समझा रहे होते हैं कि यार अल्लाह ताला जो है हमें किसी बड़े नुकसान से बचाए. सो अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे. जरा आप शो में आज डेफिनेटली बहुत कुछ है आप लोगों के लिए. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे साथ आज हमारे बड़े ही फेवरेट शहरयार शाहिद भी मौजूद होंगे अब से कुछ देर में, और हमारा जो पहला सेगमेंट होता है मंडे वाले दिन दैट इज़ फिल्मिस्तान. फिल्मिस्तान में जनाब फिल्म्स का रिव्यू होता है. हाँ, आपके लिए आने वाली जितनी भी फिल्म्स हैं सिनेमा पे लॉन्च होने वाली हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं, जो ऑलरेडी चल रही हैं उन पर भी बात करते हैं, और नॉट जस्ट फिल्म्स फ्रॉम पाकिस्तान बट ऑल्सो इंटरनेशनली. हॉलीवुड में कौन सी फिल्म कितना बिजनेस करी है, किसके क्या रिव्यूज़ हैं, हम उन सब फिल्म्स पे बात करते हैं ठीक है, मैक्सिमम फिल्म्स पे बात करते हैं. तो आज भी हमारे साथ हमारे जो हैं फिल्म क्रिटिक मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले फिल्म के ट्रेलर की तरफ चलते हैं. जनाब फिल्म का नाम है लोकी सीजन 2. ये मैं बात करूंगी कि ये लोकी है या लॉकी है,
मतलब इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है ये हम इनसे पूछेंगे, ये जो हमारे साथ शहरयार मौजूद होंगे। ऑफिशियल ट्रेलर हमारे पास इसका मौजूद है, एक्शन एडवेंचर है, साइंस फिक्शन है, क्राइम थ्रिलर है, अमेरिकन सीरीज है, मतलब बहुत कुछ है। मेरे लिए ये न्यू फिल्म है, सो लेट्स गो एंड वॉच दिस। This beautiful nagma is very close to my heart. वतन की मिट्टी गवाह रहना, और ये नयरा नूर जी ने, if I'm not wrong, गाया और बहुत खूबसूरती से गाया। She was an amazing singer. और मैं बचपन से उनकी fan हूँ। आज भी मैं उनके अगर कोई गज़लें या उनके गाए हुए गीत सुनती हूँ तो वो मेरे दिल के बड़े करीब होते हैं, और जो भी चीज़ गाती थी बड़ी मिठास के साथ गाती थी। ये नगमे मैं मिस करती हूँ आजकल के दौर में ना। ये लिखाई, ये कॉम्पोजिशंस, दे वर सो इमोशनल, मतलब आप सुने तो आप यू विल स्टार्ट क्राइंग इफ यू लव योर कंट्री दैट मच। सो इनकी वजह से भी हमारे दिल में ना वो मोहब्बत जागती रहती थी। अगर होता है ना वो सोई हुई मोहब्बत को जगाना भी ज़रूरी होता है, सो ये नगमे वो वाला काम करते थे। सो जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस, यू गाइस आर अमेजिंग। जनाब हम ब्रेक से पहले देख रहे थे ट्रेलर, सीजन है, इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ सीजन, और ये दूसरा सीजन है लोकी या लॉकी का है। हमारे साथ मौजूद है फिल्म क्रिटिक शहरयार, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डोरा द एक्सप्लोरर, देखने उस दिन ज्यादा डोरा लग रहा था जब वो फोन ही थी। आज तो ये खिलने पे बाल, आज आप कौन सी वाली डोरा बने? आज मैं पाकिस्तानी डोरा बना हुआ। आज आप पाकिस्तानी डोरा बने हुए हैं। अच्छा मुझे बताएं सबसे पहले शरार, how are you doing? ठीक है? I am good. How are you? I'm good. आज आप ग्लासेस पहन के लग रहे हैं, अभी बोलेंगी ये 2+2=4 होता है। आपको नहीं पता, मैं यूं बोलूँगी हेलो डे। नहीं, I can expect. मैं उस बटन को ऑन नहीं करना चाह रही, किसी भी वक्त हो सकता है। नहीं, I can expect. हाँ, तो ये जो है ना, नहीं, let's not talk about it. खैर, हुआ ये कि हमने अभी देखा एक ट्रेलर जिसके बारे में आपको लॉकी याद आ रही थी खाने लॉकी। हाँ, ये क्या इज इट लॉकी और लोकी? लोकी, ओके, वो ये मार्वल कैरेक्टर है। ठीक है, और जो क्लासिक मार्वल कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक है। ठीक है, आपने शायद सुना हो और सबको पता होगा थॉर का। थॉर, थॉर का ये भाई है। अच्छा, ये थॉर का भाई है तो हैंडसम होगा ये भी। ये मैंने, मुझे नहीं पता। थॉर इज हैंडसम बाय द वे। हाँ, तो मतलब मैं उसकी हैमर से ज्यादा तो उसकी हैंडसम होने पे उसे। इट्स गुड, किसी चीज को ना एस्थेटिक सेंस है ना बहुत जरूरी है। जरूरी है ना। So, जो ये है ये थोड़े विलन है। ठीक है, लोकी। ओके, शरारती। इसकी क्या सुपर पावर है? मैजिक, मैजिक। ओके, और एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक पावर होती है जिसमें बैठे बैठे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जो है अपने आप को ये चीजें प्रोजेक्ट कर सकते हो। बेसिकली मैजिक, सोर्सरी, मैजिक उसकी फेवरेट चीजें। ठीक है, उसके थ्रू वो जो है लोगों को तंग भी करता रहता है। ओके, लेकिन लोकी सीजन 2 में क्या होने वाला है, थोड़ा डिफरेंट होगा, अच्छा होगा, स्टोरी अच्छी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि लोकी सीजन 1 जो था वो अक्टूबर 2021 में आया था। ओके, विद द सेम कास्ट, टॉम हिडल्टन जो है वो इसको लीड कर रहे हैं। ओके, और सोफिया हैं, गुगू हैं, एरॉन इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मजा डबल होने वाला है। डबल होने वाला है, मतलब yes. इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन क्राइम थ्रिलर अमेरिकन सी, सो मच इनटू वन, सो मेनी जॉनर्स वो कंबाइन करके बनाते हैं। क्या बात है, और वो अच्छा बनाते हैं। Because they know ना, they have been making for so long. वो पैसा लगाते हैं, उनके पास experts हैं, उनके पास लेदर department है। ठीक है, जो छोटी industries होती हैं, उनके पास department नहीं होता, budget नहीं होता। You know, जितना गुड़ डालो उतना मीठा बन जाता है। मीठा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। उनके पास तो गुड़ ही गुड़ है। देखिए, एक तो budget is a main factor, I believe and I completely understand, but at the same time aesthetic और सारी जो knitting और स्टोरी और फिर किस तरह से चीजों को करना है, ये चीजें भी अक्सर मैंने बहुत महंगी महंगी फिल्म्स भी बहुत ही बकवास देखी है। मतलब जस्ट रिसेंटली अ वेरी फेमस तो नहीं, मतलब सुपरस्टार ऑफ सरहद पार रिलीज इस फिल्म, जो मैं बचपन से जिनकी फैन हूँ, और मतलब मैं फिल्म में मैंने कहा क्या हो गया, मतलब पठान को क्या हो गया। सो मतलब
ऐसा भी होता है कि बड़ी महंगी महंगी फिल्म्स होती हैं बट लेकिन फजूल होती हैं। ट्रीटमेंट आप कैसा करते हैं ये डिपेंड करता है आपके लोग कितने क्रिएटिव हैं। बिल्कुल। आपके लोग कितने मेरिट पर आए हैं और किस ऑडियंस को माइंड में रख के आप फिल्म बना रहे हैं ये भी जरूरी है। किस ऑडियंस को माइंड पर रख के फिल्म बना रहे हैं और ऑडियंस को आपने कितना रूम देना है एक्सप्लोर करने का, बिल्कुल अंडरस्टैंड कराने का, आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्म्स आप जानती होंगी सरद पार, हमारे अंग्रेज भाइयों में बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं जिनकी कक्ष समझ नहीं आती, इतनी महंगी महंगी, इतने बड़े बड़े एक्टर्स फेस वैल्यू के साथ, एंड जब ट्विस्ट खुलता है तो बंदा कहता है ये क्या था, क्या था ये, मतलब फिल्म में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था। अच्छा मैं पूछना चाह रही हूँ वैसे कि थोड़ा इररिलेवेंट सवाल है ये, लोग इसी हट के सवाल कर रही हूँ, ड्वेन जॉनसन की कोई फिल्म नहीं आ रही? आई डोंट थिंक सो रिसेंटली। आर यू अ फैन ऑफ दिस फिल्म्स? नॉट रियली, नॉट रियली, मुझे बड़े पसंद है वैसे। आप जो है अभी स्टिक निकालें कहेंगी हाँ वक्त किधर है मेरे, सॉरी मुझे याद आ गया मेरे एक सर बोलते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आई डोंट नो उनकी अगर कोई फिल्म आ रही है आनी चाहिए वैसे। Actually, I wouldn't say he's an amazing actor या ये वो, लेकिन उनका एक ऑरा है स्क्रीन पे, जिस तरह से एक हैं सरद पार के, उनका भी एक ऑरा है जिसकी वजह से वो पसंद है बस। असल में मैं एक बड़ी छोटी सी बात करना चाहूँगा कि आई थिंक जो स्टार्स थे ना वो उसी दौर के थे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उस दौर में ना मीडिया था ना सोशल मीडिया था, लिटरली आपकी पर्सनैलिटी, हु यू आर, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, उससे आप स्टार बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल तो हर बंदा स्टार। नहीं, आजकल उस तरह से रजिस्टर्ड कोई भी नहीं हो पा रहा, सब एक जैसे। जी हाँ जी, पाकिस्तान में कोने कोने में मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स ऑन टिकटॉक या कोई और ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया पे इफ यू हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स यू स्टार। नहीं ना, ये बड़ा गलत क्राइटेरिया है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत, मैं तो आपको ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो कि बहुत बड़े नाम है लेकिन वो सोशल मीडिया पे ही नहीं है, तो क्या वो स्टार्स नहीं है? देखिए वो अब वो पुराने वाले रजिस्टर्ड थे मेरे जमाने में और आपके जमाने में जो स्टार्स होते थे, यानी कि आपका 70s का दौर और मेरा 2000s नहीं, मेरा 50s का था, 50s का, ओह सॉरी, तो उस दौरान एक्चुअल स्टार्स होते थे। आजकल तो डिजिटलाइजेशन पे आपके कितने 2-3 साल ही हुए हैं, आप तो कहां है वो आपका फीडर छोड़ा है? भूल आया हूं ना आज इनसे मैं कुछ कराती हूं आज, क्योंकि इन्होंने छेड़ ही दिया है ना। देखिए लास्ट टाइम आप डर गई थी, आज आप आज आपने जो बाल भी बनाए हुए हैं ना, आज आपको मैंने एक टास्क देना है लाइव शो में बैठ के, ठीक है, और मैं देखती हूँ आप कितने अच्छे अदाकार हैं, उस पर हम बात करेंगे। अभी से नहीं बता रही, मैं बताऊंगी भी नहीं आपको कि मैंने आपसे क्या कराना है। अब अगर आप अक्लमंद हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा अपनी शक्ल देख के, और आप जिस तरह से आज बाल बने हुए हैं और ये कि मैं आपसे क्या करवा सकती हूं। बहुत बहुत फैल गए ना, बहुत फैल गए जनाब। अगला हमारे पास एक और वेब सीरीज मौजूद है, फातिमा जिना जनाब, और इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो रिलीज डेट है वो इंडिपेंडेंस डे है, 14th August है, और इसमें सजल अली जो है वो फातिमा जना का किरदार जो है वो अदा करिए। इसका हमारे पास कोई ट्रेलर मौजूद है तो चल के देखते हैं ट्रेलर और फिर इस पर बात करते हैं। जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, और ये तमाम बचपन वाले तराने मुझे रिवाइव करवा रहे हैं। आज शामिल भाई की यही ड्यूटी है, शामिल भाई ने जो पहले गाने में किया है ना उसके बाद ये अब कॉम्पनसेशन कर रहे हैं जनाब। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे फातिमा जिना का ट्रेलर, सो क्या न्यूज है जनाब फातिमा जिना के ट्रेलर के बारे में? जी सबसे पहले तो खुशी हो रही है कि कुछ बन रहा है, हमारे हीरोज पर भी कुछ बन रहा है। एग्जैक्टली, इतने हीरोज हैं हमारे, इतने हीरोज हैं, फीमेल हीरोज हैं, मेल हीरोज हैं, प्लान हो चुके हैं और बहुत ग्रैंड लेवल पे प्लान हो रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन बड़ी है, और इसमें इसका जो एक पार्ट है सीजन 1 का कुछ हिस्सा
वो इंडिपेंडेंस डे पे दिखाया जा रहा है। ओके, सारा नहीं दिखाया, सारा नहीं दिखाया। कितनी एपिसोड्स हैं कोई डिटेल्स अभी तक लॉन्च नहीं हुई, ठीक है, लेकिन हाउएवर सिंपल एक छोटा पार्ट दिखाया जा रहा है। ओके नाइस। इसमें तीन फातिमा जना के तीन फेजेस ऑफ लाइफ दिखाई गए, ठीक है। जो यंग वन है वो सजल अली प्ले करी है, ओ नाइस, जिनका आई बिलीव कि उनका इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, नहीं है। नंबर सेकंड जो उनकी जो आई थिंक 30s और 40s वाली जो प्ले करी है वो सुंदस फरहान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। शी इज नॉट एन एक्टर, शी इज अ मीडिया पर्सन, शी हैज बीन इनटू कंटेंट क्रिएशन, सो इट्स हर फर्स्ट टाइम, यस, शी इज लाइक शी हैज बीन मैनेजिंग कंटेंट फॉर यू नो मीडिया जायंट्स, ठीक है, बट नॉट एन एक्ट्रेस, नॉट एन एक्ट्रेस, तो दैट टू इतना बड़े लीडर का रोल प्ले कर रही है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज़ लोगों के सेंटीमेंट्स अटैच्ड हैं, डेफिनेटली हमारे सेंटीमेंट्स अटैच्ड हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जहां पे एक जगह सजल अली उनका यंग टाइम का किरदार अदा कर रही हैं, सो फिर उसके बाद कंपटीशन हाई है, जिनके लिए फर्स्ट टाइम है एक्टिंग डेब्यू है उनका, तो कैसा होगा ये हमें पता चलेगा। और अभी तो आप रुके, जो जब हमने फातिमा जना को जिस साल में पाकिस्तान ने देखा, बिल्कुल जब पाकिस्तान के लिए वो आगे बढ़ी और लोगों को उन्होंने सच में गैरत दिलाई, वो पार्ट जो प्ले करी है वो करी है समिया मुमताज। क्या बात, व्हाट एन एक्ट्रेस यार, उनके भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हमने अभी ट्रेलर में देखा, क्या कमाल अदाकारी, क्या कमाल अदाकारी, बड़े रियलिस्टिक किस्म के रोल प्ले करती है, बहुत अच्छे रोल, ग्लैमर से दूर और बहुत ग्रिप है उनको, ग्रिप है। और बाकी लास्ट बात मैं इसकी बात करता चलूं कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि फातिमा जना चूंकि इस्लामाबाद में शूट हो रहा है, तो यहाँ के इस्लामाबाद के टैलेंट को बहुत फरोग मिला, जिसमें है शरियार शाहिद भी हैं। क्या पता आप मुझे भी देखें, क्या बात है जनाब, क्या पता हम फातिमा जना में शरियार को भी देखें और फिर शरियार से हम जो है इसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स लें कि क्या अंदर की खबरें, अंदर वो आपको दूंगा सर, वो सिर्फ मुझे बताएगा और मैंने सिर्फ अपने शो पे प्ले करना है, किसी और को नहीं, वहां पे किसी और एक्सक्लूसिव स्टोरी, ये होता है ना, ये पीआर जरूरी हो जनाब, ये अमेजिंग सी हमारे पास न्यूज थी फातिमा जना के बारे में। और हमारे पास एक और आज जो है मेरा फेवरेट अमेजिंग किस्म की न्यूज है, हम वी ऑल नो सरमद कूसट क्या कमाल काम करते हैं, आर्ट रिलेटेड बड़ी रियलिस्टिक किस्म के फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स वो बनाते हैं, उनकी ये फिल्म थी अभी हम ट्रेलर देखेंगे, पहले हम ट्रेलर देखेंगे, आई थिंक उससे पहले मैं बताता हूं ऑडियंस को, अपना एक्सप्रेस करता चलूं कि आई एम वेरी हैप्पी एंड सैड एज़ वेल, अब वो क्यों सैड हूं वो बाद में बताऊं। जनाब जिंदगी तमाशा नाम है प्रोजेक्ट का, चल के देखते हैं इसका ट्रेलर, वापस आते हैं तो फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। जिंदगी तमाशा सरमद कूसट का बहुत ही दिल के करीब प्रोजेक्ट, और 3 साल का डिले आ गया इसकी लॉन्च में क्योंकि रिलीज में, क्योंकि जब यहाँ पे पाकिस्तान में कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ रियलिटी पे जिसपे वाकई उन मौजूद पे बात होती है जिन पर लोग ग्रेज करते हैं या उन्हें टच नहीं करते, तो यहाँ पे उस चीज़ को रोक दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक जिन मौजूद से हम सीख सकते हैं उनको रोक दिया जाता है, ये बड़ी गलत बात है। हमारे ड्रामास में थप्पड़ मारना बड़ा इजी है ना, अब सास बहू को मार रही है, शौहर बीवी को मार रहा है, इवन अब बीवी भी शौहर को मार रही है, ऐसे ड्रामास में भी आप दिखा रहे हैं और उसकी एक्सेप्टेंस लोगों के दिमागों में डाल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो टॉपिक्स जिन पे बात करना बहुत ही जरूरी है, एजुकेट करना लोगों को बहुत जरूरी है, उन पे अगर कोई फिल्म बनती है तो उसको रोक दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। लेकिन ये फिल्म यूट्यूब पे लॉन्च हो चुकी है, आई एम वेरी सैड अबाउट इट, यू नो व्हाई, कि वो उस तरह से बिजनेस नहीं कर पाएगी जो सरमद कूसट का जो इस फिल्म से अटैच्ड 3 मिनट का बयान है, लाइक उसकी वीडियो चैट है विद द फैंस जिसको देखा जा सकता है, उसने इतना दिल से बोला है कि इसको ओपन हार्ट के साथ देखिएगा, खुले जहन के साथ देखिएगा, मैं इससे कुछ कमा नहीं पाया, मुझे इसका अफसोस रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा उसका बयान मैं आपको बता रहा हूँ और उससे ज़्यादा खुशी यह है कि मैं अपना काम आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये अच्छी बात, I felt very sad कि एक आर्टिस्ट कोई चीज़ आपने जल्दी करूंगा कि समय मुमताज की तरह एक और अदाकारा जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करती हैं समय मुमताज एंड सवेरा नदी। सवेरा नदीम हमारी बहुत पसंद है यार, मुझे बहुत पसंद है उनकी एक्टिंग, आई थिंक अमेजिंग एक्टर, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं उसको सिलेबस में डालना चाहिए। आपने लास्ट फिल्म का प्रोजेक्ट देखा था मेरे पास तुम हो में, जो वो अदनान सिद्दीकी की फर्स्ट वाइफ बनी है और उसमें वो फिर अदनान सिद्दीकी को थप्पड़ मार के, पावरफुल कैरेक्टर था, बहुत पावरफुल कैरेक्टर करती है जनाब। ये आज हमारे पास तीन स्पेशली दो जो फातिमा जना और जिंदगी तमाशा जो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट,
सो इनको लेके हम बहुत एक्साइटेड हैं और ये देखने हैं. एक तो इंडिपेंडेंस डे पे आप देखेंगे और एक ये जिंदगी तमाशा को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. ज़रूर देखें, अपने ग्लैमर से हटके, शोशा से हटके भी हमें प्रोजेक्ट्स को देखना चाहिए और अपने रिव्यू देने चाहिए और अगले की जो है मेहनत किसी हद तक वसूल होनी जरूरी है. आई थिंक जिंदगी तमाशा की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी ना वो ये लगी है कि हर तबके के इंसान की पर्सनल लाइफ होती है. वो इंसान है, वो मुकम्मल इंसान है, वो भी चॉइसेस रखता है, वो भी पसंद नापसंद रखता है. जब हम आदम जात कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आदम से हम हमारी नस्बत है और हम गलती के पुतले और हमने गलती करनी है. तो अल्लाह ताला ने इंसान को ये मार्जिन दिया है कि उसने गलती करनी है, आपका रिपेंट करना जरूरी है, वापस मुड़ना जरूरी. और सरमद कुसर ने बड़े खूबसूरती से बताया कि अल्लाह मियां की जो क्रिएशन है वो कैसे एक मुकम्मल ह्यूमन बीइंग है. क्या बात, वो बैड गुड नहीं है. क्या बात, ही इज बोथ, ही इज बोथ, दोनों है, दोनों है. और देखिए इम्परफेक्शन तो जुड़ी इंसान के साथ है ना, परफेक्ट ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है. एब्सोल्युटली. और आई थिंक लोगों ने इस पे, आम जनता ने बहुत एहतजाज किया होगा, आई डोंट नो सबका क्या मौकफ था, बट मुझे जो फिल्म देख के सीखने को मिला वो टॉलरेंस में. टॉलरेंस ये फिल्म देती ही आपको सबक, हम सब बर्दाश्त, हम सब में टॉलरेंस की कमी है. हम सड़कों पे निकले टॉलरेंस की कमी नजर आती है. एंकर्स को देखें तो मेकअप रूम में अगर मेकअप आर्टिस्ट ना हो तो टॉलरेंस की कमी नजर आती है. यासिर भाई को देखें, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो भी उनके अंदर नहीं, उनमें टॉलरेंस की कमी नहीं है. मैं गलत बात नहीं कर सकती, मैंने अल्लाह को जान देनी है. हमारे पास एक ब्रेक है, ठीक है, अभी हमारे पास ब्रेक नहीं है. मैंने कहा था कि आज जाते जाते जब मैं इनको अलविदा कहूँगी शरियार को, तो इनको एक छोटा सा टास्क दूंगी. रुक जाइए जरा यहाँ पे. ओए होए, आपका टास्क ये है अंडरटेकर कि इस वक्त वैसे भी आप एक 12 साल की बच्ची लग रही है ना, जिसके बिखरे हुए बाल होते हैं. ठीक है, क्यूट भी बोले, क्यूट लगाएं साथ. हंसे मत आप लोग, आप क्यूट लगाएं साथ, वरना मैं क्यूट 12 साल की बच्ची. बिंगो, ठीक है. सो आप एक क्यूट 12 साल की बच्ची हैं जिन्होंने ये झंडा तो पहना हुआ है और आप मुझसे जिद कर रही हैं कि आपको इंडिपेंडेंस डे के लिए फायर क्रैकर्स लेने हैं. ठीक है, और मैं आपको समझा रही हूँ कि नहीं, तो आप मुझे कोई लॉजिक के साथ ये बात कहना चाह रही हैं. आप जैसे हम बचपन में करते थे, अपने माँ बाप को कहते थे हमने लेने और मम्मी कहते नहीं बेटा नहीं लेने, और आप मुझे एंड में मना लेती हैं. ठीक है, फुलझड़ियाँ लेनी है. ठीक है, सो आप मुझे एंड में मना लेती हैं. चलें स्टार्ट करें, मैं बैठी हूँ आपकी. मामा मामा मामा, हाँ जी, ये मामा पटाखे लेने हैं मैंने. क्यों बेटा, पटाखे क्यों लेने हैं? ओह माय गॉड मामा, 14 अगस्त आ रही है. यार ये आप लोग उधर से मत हंसे ना, मैं इधर भी हंसूंगी. दोबारा करें, रीटेक. ओके, 14 अगस्त आ रही है मामा, पटाखे लेके दे. बेटा 14 अगस्त के लिए पटाखे जरूरी नहीं होते. 14 अगस्त के लिए आपको लेके दिया ना मामा ने बैच. बैच काफी नहीं होता, झंडिया ले लेंगे. झंडिया ना, आवाज नहीं आना बहुत जरूरी है. डू यू अंडरस्टैंड के क्या है बेबी, मैंने आपकी हर बात मानती हूँ, आप गलत बात तो नहीं मान सकती ना. देखे, जब आप पापा के साथ लड़ाई करती कितनी आवाजें आती हैं, मैं पटाखे नहीं बजा सकती. मेरी और पापा की आवाज घर के अंदर रहती है, बाहर नहीं जाती. ये जो पटाखे होते हैं ऐसे गली में शोर शराबा होता है. अच्छा, और आप जो अपनी दोस्त को वॉइस नोट भेजती है अपने अपनी शोर की बुराइयां करती हो, वो सब बता दूंगी मैं. किसको बताओगी? दादी अम्मी को. बेटा आपको पता है मेरी और दादी अम्मी की लड़ाई होगी और कुछ भी हो सकता है, फिर आप वजन कर रही हो उनको मेरे से. बजन क्या होता है? मतलब उनके दिल में मेरे बारे में बुरे बुरे ख्याल मत डालो. मॉम टेल मी इंग्लिश. ओह माय गॉड, माय ग्रेस बच्ची. अच्छा सुनो ना, पटाखे नहीं लेके दे सकती, कुछ और ले लो. बेबी क्या है, आपकी हर नाजायज तो नहीं ना मैं मान सकती. मैं ये फेंक दूं? मुझे पटाखे लेके दे. डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक आयत प्लीज, वरना मैंने सब कुछ आके बता देना है. क्या बता दूं कि आपने जो पिछले दफा सूट पहना था ना पार्टी में नीला आंटी की, वो आपने लंदन से लिया था और सबको बता रही थी. अच्छा सुनो ना, ब्रांड का है. ठीक है, एक 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 डिब्बी बहुत है. ठीक है ना, क्या आप दो दो लेने दादी के बेड के नीचे रख देंगे, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी. आप कहती हैं जलती नहीं है, ये कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक वगैरह आ जाएगा. नहीं मामा वो ऐसे तो नहीं आता. यू आर सो अनएजुकेटेड मामा. चुप करके बैठो, दो ले लेंगे. एक ब्रेक लेते हैं जनाब, और ब्रेक से वापस आते हैं तो इस बारे में क्या ही कहूँ मैं. एक ब्रेक लेते हैं.
बैक रहेंगे आपको ब्रेक से. ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे इस अमेजिंग से प्रोजेक्ट जिंदगी तमाशा की, और उसके बाद मेरी बच्ची ने अल्टीमेटली, ये जो बच्चे हैं ना, ये आपसे अपनी बात मनवा ही लेते हैं आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके. आपसे एक तो सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल होता है और एक असल वाला ब्लैकमेल होता है, व्हिच यू डिड एक्चुअली. थैंक यू. आपको सारी आयत की ट्रिक्स का पता चल गया है. वो मेरे साथ यही करती है. उसे जब मेरी कोई बात मनवानी होती तो मुझे ये चाहिए. अच्छा, शॉप पे जाके बच्चे ना, हमारे टाइम पे हम होते थे तो हम जाते थे, हम कहते थे मामा ये ले लें, तो अगर अम्मी ने घूरी कर दी है तो हम कहते थे बस नहीं, मतलब मुमकिन ही है. मेरी बच्ची का तो नहीं है ना ये सीन, ही ऑफ ही सीन. उसने जाके उठाना कि मामा ये ले लिया है मैंने. नहीं बेटा ये नहीं चाहिए आपको, मैंने ले लिया है. नहीं मामा ये मुझे चाहिए, आपको नहीं पता ये मुझे चाहिए. मुझे नहीं पता कि उसको चाहिए. सो ये हो गया. मैं आपका पोजीशन अच्छी तरह समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी बहन है 10 साल की, जिसको मैंने अपने बच्चों की तरह ही पाला है. तो मुझे सारी चीजों का पता है, जो माएं जो अब्बू गुजरते हैं, कितना पालने पोसने पड़ता है. आपको वाकई सेल्फलेस होना पड़ता है, और ये सेल्फलेसनेस का पता ही आपको माँ बन के चलता है. पेरेंट अ चाइल्ड, आपको तब पता चलता है कि आप छोटी छोटी कितनी कुर्बानियां देते हैं, देनी पड़ती हैं. अच्छा, हमें बड़ा सहारा होता है ना, कोई तीसरा बंदा देख के कहता है बच्चों की इज्जत मत माना करो, बड़ी गलत बात है. मैं कहती हूँ एक्सक्यूज मी, ईजियर सेड देन डन. यू डोंट नो माय सिचुएशन. मैं आई एम इन दिस सिचुएशन एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग इट. आई नो कि नो बंदा कर सकता है, बट एट टाइम्स यू कैन नॉट से नो. आई एम सो सॉरी, बट मेरे एग्जाम में बात आ रही है कि अक्सर लोग आते हैं ना, मेरे बच्चे होंगे ना देखना, मैं तो उन्हें ऐसा करना ही नहीं दूंगा. मैं कहा ओके नाइस. हाँ, बड़ा ही. मेरे भी वो भाई जिनके भी शादी नहीं हुई, वो भी यही कहते हैं, तुम देखो मेरे बच्चे कैसे होंगे. मैं कहती हूं ओके, आई विल सी, विल सी टुगेदर. सो हमें मजा आएगा. जनाब हमारे पास शरियार आप आज मौजूद है ना, तो थोड़ा सा दिल को सुकून है. मतलब आप होते हैं तो कोई सेन बातें हम कर रहे होते हैं, हम मूवीज पे बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, अच्छी बातें कर रहे होते हैं. अल्लाह माफ़ कर दे, अक्सर ऐसा होता है कि मैं शो में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ और मैं चाह रही होती हूँ आज का शो तो बहुत ही कमाल जाएगा ना, सब अच्छा अच्छा जा रहा होता है, और कोई ना कोई मेरे शो पे उठ के ऐसे ही आ जाता है. मतलब कहते हैं घर के दरवाजे आपके मेहमान रहमत होती हैं, लेकिन अक्सर मेहमान जहमत भी होते हैं ना, वो मेहमान जिनको आपने बुलाया नहीं होता, वो जहमत होते हैं आपके लिए. सो है ये स्क्रीन पे मेरी क्या हुआ था, शमीमुल्ला हबीबी साहब, ये हमारे फिल्म क्रिटिक है. डोंट ट्रीट हिम लाइक क्रिटिक है. यू आर लुकिंग नाइस, अच्छा लग रहे हैं. थैंक यू, बट मैं इधर बैठ जाता हूं, ऐसी क्या बात है. इट्स नॉट नाइस एंड नॉट एथिकल कि आप आए और मेरे गेस्ट के आप बालों को टच कर रहे हैं. क्या मतलब आपके अंदर का, उसने अच्छी उनका ख्याल रखा है. फर्स्ट इट्स नॉट हेयर, तो हेयर बैंड लाया हुआ है, अच्छा लग रहा है. हेयर बैंड लाया हुआ है, मैं भी बढ़ा रहा हूँ बाल, थोड़े थोड़े कानों के पीछे से निकल आए. अच्छा, आप उनके साथ क्यों फ्री हो रहे हैं? ये एक्चुअली शरियार, ये शमीमुल्ला हबीबी साहब हैं, who thinks he knows everything, but he मैंने देखा अभी एक छोटी सी बच्ची का जो आपने एक्ट किया है जी, कि आपने ये कैसे कर लिया, कमाल कर लिया. मैं देख रहा था, मैं किसी राह नहीं गया. मैंने उसी टाइम अपनी मर्सिडीज करोला बेंज निकाली. मर्सिडीज करोला बेंज, मर्सिडीज तो नहीं, इकट्ठी इसको मैंने मिला के बनाई हुई है. अच्छा। अपनी एफएक्स के अंदर सारी इसकी जो चीजें हैं ना, हाँ सारी इंक्लूड कर दी, एंड मैं आ गया ड्राइव करते हुए. इसका मतलब आप कब से इधर थे? कब से क्या आप कब्ज नहीं, मैं कह रहा हूँ कब से इधर. आप अपने मसले उनके सामने ना बयान करें ना, उनको नहीं आप ही को है. शामिल ने भी इसका पीछे से उसको रजिस्टर करा दिया, इस सब गोल वाला साउंड इफेक्ट लगा के. Why are you jealous if he registered my humor? अरे अदर तस्वीर डूटी टक गुड जॉब आज तो इस आपको सब. अच्छा खैर, और सुनाएं शेरी. जी जी शेरी. यस शेरी. मेरे सर इतना बेतकल्लुफ क्यों रहे भाई? ये शो ही ऐसा है, हम लोग आते हैं मिलजुल के बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, एंजॉय करते हैं. नहीं भाई, मैं आई एम अ फैन, नॉट अ पेडिस्टल फैन बट अ फैन. आपने बहुत अच्छा किया, यकीन करें. इस बेचारी से एंकरिंग सही से होती नहीं. मैं अकेला बोल रहा हूँ
और फिर अब ये हुआ माशाल्लाह कि आप आए, तो चलो मैंने कहा हेलो तो मजा आएगा जी। बात सुने ना जरा, आप मेरे ही शो में आके, मैं आपको इतनी इजाजत दे रही हूँ कि आप मेरे शो में आके बैठे और आप यहाँ पे थोड़ा सा ले लें 15-20 मिनट और आप मुझे ही कह रहे हैं कि मुझसे एंकरिंग नहीं होती। नहीं, आपको पता मैंने रखा क्यों था? Why K2 TV hired you? Why a K2 TV hired me? Yes, because हमारी बहुत ही एक अच्छी मिसुनी किस्म की एक एंकर हुआ करती थी। हाँ जी, निकी फूफो ना। ओके, हाँ ना जी, देख रहे हैं आप K2 TV। या आप आज उसकी तरह लग रही हैं। ये क्या किया है? How did you manage? ये आपने लुक कैसे अपना बनाया? Who's निकी फूफो? यार एक बंद हाई फपे कुटनी सी हमारी बहुत ही नफीस सी बेजोक किस्म की एंकर थी, बहुत अच्छा। फप्पे कुटनी सी। हाँ। यार वो यहाँ की एक फप्पे कुटनी औरत थी, यहाँ पे फसादे फैलाती थी वो, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे बहुत लोगों की लड़ाइयाँ हुई है, प्रोड्यूसर्स की एंकर्स के साथ लड़ाइयाँ हुई हैं, एंकर्स की कैमरामैन के साथ लड़ाइयाँ हुई हैं, उसकी वजह से पता नहीं कहाँ कहाँ तलाकें हुई हैं, ठीक है। कैमरामैन की इंजीनियर के साथ हुई है। ग्लासेस इनकी शक्ल आपके रिश्तेदार तो नहीं हो? नहीं, दूर की बहन लगती है। इनके अंदर उनके जरासीम है। अच्छा खैर मुझे बताएं। जी जी पूछे। आज मैंने कहा था कि शरियार जरा थोड़ा सा बैठेंगे, गप लगाएंगे हम लोग। मैं इसलिए आ गया, मैंने कहा आई विल ज्वाइन यू, शरियार बोर ना हो जाए तो मैं आके जरा इनके साथ कुछ अच्छी सी बातें करूं। और सुनाओ शरियार, यसु कुंजु खेलें? नहीं नहीं नहीं, मुझे वो आती नहीं। आती नहीं? मैं बड़ा अच्छा इमेज था इस आपका, मुझे तो नहीं, मेरा तो इमेज अच्छा ही है। मेरा क्या कसूर है? आई जस्ट टोल्ड यू कि अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं दरवाजे बंद रखा करें ना। दरवाजा तो बंद रखना, पता नहीं शहबाज भाई का ही मसला है, दरवाजा खोल देते हैं हर दफा। शहबाज भाई बुए खोल दे रख देने, पता नहीं क्यों बार। शहबाज भाई क्यों दरवाजा आप खोल के रखते हैं मेरे शो का? क्यों है आपके हाथ पेन? इसलिए है कि ये मैं इनके लिए अक्सर ले आता हूँ, अक्सर इन्होंने टिक लगाना होता है, ये वाली हो गया सेगमेंट, ये रह गया, इसको नहीं करना, इसको कर लेंगे। आप एक काम करें, आप दोनों आपस नहीं, आप नहीं, सॉरी, आपस में हम बातें करें। मान गई, शी एक्सेप्टेड द। एक गाने की तरफ चले, एक गाना है हमारे पास निहाल, तो सब भुला देते हैं। हाल नसीब बात करें, कितना ख्याल देखें हम लोग आपका रखेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ मिलके हम लोग कुछ प्लान करते हैं, एक या तो दही बड़ों की दुकान खोल लेते हैं, तो ये पीछे खोखा खाली है, इसके अंदर हम मिलके बिजनेस कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग इसे ऐसा करते हैं, शमीमुल्लाह हबीबी साहब, नहीं मैं इसको कह रहा हूं, आप तो वेले हैं ना? नहीं मैं वेले नहीं, ही इज नॉट अ वेला लाइक। सुन तो ले, मैं कह रहा हूं ये बड़ी वडियाली फूफो होता, मैं इसकी छोटी वाली खाला, हम लोग मिलके बड़ा मजे का एक्ट कर सकते, ड्रामा बुलाते, क्या ख्याल है जी? मैं आपको ड्रामा चलता फिर तो ड्रामा है, आपको बजट है आपके पास? बजट है? हां बजट है ना, मैं आपको कितना है बताइए। देखिए क्या सी बातें कर रही, चाय पिलाएंगे आपको शकील से मंगवा के, वो उसमें ये निशानी होगी अच्छे बजट की। देखिए मोहब्बतें यहाँ से होती हैं, ये आपको ऐसी बातों में उलझाएंगे, मेरा मतलब है दिल से ना, कि उल्टा आपके 10-20 हज़ार लगवा देंगे। हाँ। इनकी बातों में मत आइएगा। अच्छा बात सुने, पहले तो उनको आप यूटिलाइज करें। आप कह रही थी टैलेंटेड है, टैलेंटेड है, फजूल चीजों में यूटिलाइज करने की कोशिश मत करें। ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज अ फिल्म क्रिटिक, ही इज एन एक्टर, ही इज डूइंग बिग प्रोजेक्ट्स। आपकी तरफ वो फजूल वेले नहीं है कि मेरे शो में आके सिर्फ 10 मिनट लेके गाना गाते हैं। एक्सक्यूज मी, एक तो मैं गाना अच्छा गाता, दूसरा ये मेरे गाने पे इन्होंने अगर परफॉर्म कर दिया मैं फिर इनको टैलेंटेड मान लूंगा। ओके आपके गाने में परफॉर्म क्या मतलब, उन्होंने आपके गाने पे ताक लिया करना है? यस, देखिए देखिए एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की सारी गेम है, अगर आप एक्सप्रेशन अच्छे दे जाएं सो यू कैन बी अ गुड टीवी होस्ट, यू कैन बी अच्छा एक आपका एक वो आज ओके ठीक है मान गए, वो उतना मुझे उन्हें कहना नहीं पड़ा, उन्होंने मेरे रिगार्ड में उन्होंने कह दिया। ओके जो आप कह रहे हैं क्या वही जो आप कह रहे हैं, क्या आपकी क्या डिमांड है बोलो? मैं गाना गाता हूं शामिल, ऐसा करें आज मुझे आप बी सैचुरम दे दें, सैचुरम भी एक सितारा है, वहाँ के जो सुर हैं उनका एक अपना ही जौक है, एक अपना ही मर्तबा मुकाम है, उत्थे जो तो सुर वाजदे ने तो लोग इधर उधर दौड़ जाते हैं, बिकॉज रॉक म्यूजिक में इन्वेंट हुआ था। ठीक है, फिर उस पे क्या होगा? उस तो आ, मैं एक मिली नगमा गाता हूँ, ठीक है, जुनून का, ठीक है, जुनूनी ना हो जाइएगा। मैं तो हो ही नहीं, मैं कह रहा हूँ I'll be cool and calm sitting right front of the sofa in the back of the middle and he will be the performing, आप अली अजमत बन के ना आपने उसमें हमें एक्ट करके दिखाना है। एक मिनट गाएंगे आप? देखिए बाल आपके वैसे ही वो पुरानी फुफुओं वाले, आप अली अजमत बने और हेयरबैंड अपना उतार दें कोई बात नहीं, उसमें आपने देखे
अली जफर कह रहा हूं, बाय द वे अली जफर के बाल नहीं है अब, नहीं है ना पहले वो देखे उसने इतना कर झटका है ना ऐसे से बाकी ऐसे ही थे कि एक बार हां दी विग ले गए ओ भाई, लेकिन जिया जी मुझे पता है ये गाने लगे हां मैं आई डोंट नो ये हमेशा होता है, एक्सक्यूज मी देयर आर टाइम्स व्हेन ही इज गुड एंड देयर आर टाइम्स व्हेन ही इज गुड एंड देयर आर टाइम्स व्हेन ही इज डिजास्ट्रस, सो आई डोंट नो व्हिच टाइम इज दिस राइट नाउ। हां जी क्या कुछ नहीं, आप गाने नहीं मुझसे बातें करें, वो आपसे बात करने में अली अजमत का एक सिग्नेचर देखिए, एक तो ये कि लोग ऐसे से हिलाते हैं ना सर, अली अजमत तो लाता है जिस तरह 8 नंबर नहीं होता ये वाकई वैसे है, आपने ऐसे हिलाना सर ठीक है। ओके शामिल, गिव मी द सैचुरन स्केल प्लीज। अल्लाह खैर, हंसले हंसी सुन ऐ जज्बा जनून तो हिम्मत ना, ऐ जज्बा जनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत ना कम, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, जस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान हमारा। बस 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 बस, आपकी डिमांड के चक्कर में अगर उनके सर के सारे ऑर्गन्स हिल गए तो क्या होगा? कोई बात नहीं, हाफ स्क्रू ड्राइवर में पेश कर दूंगा उनके, क्या होगा? आप उन्हें देखें, आपने उन्हें थोड़ी देर में देखें, मैं ये I'm so sorry शहरयार, आप कोई बात नहीं, देखिए टैलेंट तो बताना था ना, मैं टैलेंटेड हूँ ना, आप बहुत टैलेंटेड है, मैं तो कहता हूँ आप सिग्नल पे खड़े होके ऐसे करें ना रातों रात बजट की प्रॉब्लम हल हो जाएगी, यकीन करें आप हमें भी बाहर गाड़ियों में लेके घूमेंगे। ये तो बात ठीक है, लेकिन जो आपने इतना लंबा टॉर्चर किया है ये गाना सुना के, बुरा गया चार्ट बनाने वाला ना स्केल, वो बड़ा अच्छा होता था उसमें, ये कि अब लोग बातें तो चार्ट के बीच में ना वो लाइन जो है ना डॉट की लगता था, आपको अल्लाह वो काम करो बढ़िया नहीं, इनको याद लगा दो, मैं आपको चेंज वाला स्केल है ना, कर सकता है। अच्छा मैं बजट नहीं आता, छोटा है ना शो का बजट, बड़ा स्केल हो वो सही रहता है उसके, जरा ये है कि लकीरें लगाने में जरा कुछ भी करके इनको बता दो आप। हां क्या क्या बातें होगी इतनी लंबी आप लोग की, कुछ नहीं कुछ नहीं, हमने बड़ा वाला स्केल ले लिया, छोटा वाला स्केल ले लिया, चार बनाने वाला स्केल ले लिया, और कौन सा स्केल डिस्कस करूं, वो आएगा ना स्केल। जमील साहब, जमील नाम है आपका? नहीं शफकत मानत अली, क्या हो गया अभी तो इन्होंने शमीमुल्ला बोला था, शमीमुल्ला हबीबी साहब, हां शमीमुल्ला यस, किसी जगह नहीं, वो बच्चों का होता है। अच्छा
तो क्या चाहते हैं आप? Why you are physically touching me? आपकी आपकी आंखें दिखाएं? नशीली? नहीं 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 क्या मतलब बाहर निकालोगे? इनकी आंख बीमार है। आप जब उनको हाथ लगा लगा के कभी बालों को छू रहे थे तो मैं क्या पैर लगाऊं? मतलब क्या मतलब तो फिर जब अगर वो आपको देख रहे हैं कि आपको बुखार तो नहीं है तो आपको क्या मसला? मुझे तो बुखार से इतराज है, पूरा छू ही रहे हो तुम। लेकिन देखो बुखार जो चेक कर रहे हो ना, ये मेरा ऑड लगता है। कैसे कैसे चेक करते हैं बुखार? आप कर मत्थे पे हाथ लाओ ना, मत्था सबसे पहले होता है। आपके माथे को कोई भी हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आपकी आंखों में कुछ दिख रहा है। मेरी आंखों में आप दिख रहे हैं? नहीं नहीं, आपकी आंखों में क्या मतलब पपी ना कर दी भाई, नेशनल टीवी है, इतना स्टैंडर्ड नहीं मेरा गिरा हुआ। शोधपुरे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें। शोधपुरा क्या होता है आप दोनों के लिए ना? शरियार वहाँ पे समोसे भी हैं आलू वाले, ठीक है? एक मिनट एक मिनट, ये अच्छा आपने बताया, कब से मैंने गाना गाया? समोसे दोनों हैं, मैं लेके जाता हूँ। अली अजमत का गाना गा के वैसे ही कमजोरी हो जाती है थोड़ी सी गिटों के अंदर, तो मैं जरा जाओ कि समोसे और तो कोई कमजोरी नजर ना 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 और कमजोरी नहीं। मुझे पता, मुझे बात बताएं, आपके इधर तेजाब पड़ा है, उन्होंने हाथ धोने इनको टच कर लिया, मैं आपको नहला दूं? तुम आ जाए आ जाए। अच्छा थैंक यू जिया, अब हम चलते हैं। आप अपना शो बड़ा अच्छे से करो, एक ब्रेक पे चलते हैं। अच्छा सा शो करो, आ जाओ, मैं ना बच्चा आ जाओ आज बिजु पुलु 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 मैं चलो। वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। कहते हैं ना कि हम जब जबान से कोई बात कर रहे होते हैं, कोई चीज़ याद कर रहे होते हैं, तो अक्सर वो बड़ा गलत मौका होता है और उस टाइम पे वाकई आपकी वो बात कबूल हो जाती है और सच्ची हो जाती है। तो इसलिए अच्छी अच्छी बातें करनी बोलनी चाहिए। एक इंसान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है शो पे, दो दो आ गए आज यार। शमीमुल हबीबी साहब को कुछ नहीं हो सकता, मैंने हर चीज़ करके देख ली है। आप लोगों को पता नहीं है इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है दिमागी, उसके बावजूद इट्स नॉट डूइंग एनी डिफरेंस। क्या होगा मुझे नहीं समझ आ रही। जनाब आज के शो में हमारे पास आई होप अच्छा लगा होगा आपको आज का शो, जैसा भी है। अब आपका अपना शो है, घर की बातें तो घर में रहती है ना, आपको पता ना घर के मसले बाहर बंदा बयान नहीं करता, सो यू हैव नो अदर चॉइस देन लाइकिंग दिस शो। हमारे साथ हमारा बैंड मौजूद था हमेशा की तरह, सरोश शामिल और जैगम। मेरे कान में यासिर भाई गप्पे मत लगाएं, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना? तो हमारा बैंड मौजूद था और थैंक यू सो मच गाइज। शो का आज इख्तिताम हो ही चुका है और इसी तरह हो रहा था इख्तिताम, कि बहुत सारा कंटेंट मेरा ये दोनों मिलके शमीमुल्ला और शहरयार खा गए हैं, बस क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कल अभी हमने दोबारा भी आना है और कल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अपडेट्स आपके लिए लेके आएंगे। जनाब आज हम लोगों ने मिली नगमे गाए, मैंने तो गाया और इसके साथ शमीमुल्ला साहब ने भी कुछ हद तक हमें अच्छा मिली नगमा सुनाई दिया जुनून का। सो ये सिर्फ नगमों का जो एक ट्रेंड है, गाने की हद तक नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि इंडिविजुअल बेसिस पे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना डिफरेंस लेके आ सकते हैं वो लेके आएं, अपनी कंट्री की को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आने में। दूसरों को ब्लेम करना कौन क्या कर रहा है इज़ वेरी इजी और हम सब करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो सबसे पहले मैं अपनी ज़ात की बात करूँगी कि हमारे लीडर ने ये कर दिया, फलाने पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, उस इदारे में ये मसला हो रहा है। सबसे पहले मुझे सेल्फ करेक्शन की ज़रूरत है, बहुत सारे लेवल्स पे मुझे पहले अपने आप को ठीक करना है, पहले मुझे खुद से ये सवाल करना है कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी कंट्री के लिए, एम आई डूइंग इनफ। क्योंकि आपको पता है कि जो नौजवान हैं हमारे, उन्होंने ही इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो चेंज करना है और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम पॉजिटिविटीज़ के ऊपर बात करेंगे और जब वाकई डिफरेंस हमें नज़र आएगा इंशाल्लाह। हमारी दुआओं से ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना है, इंशाल्लाह इसने क़यामत तक कायम उदायम रहना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है इंशाल्लाह। जनाब कल आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा, और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हारून ने गाया है, इसको दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान आप लोगों के लिए पेश करूंगी। अपना रखना आपने बहुत ज्यादा ख्याल, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड ओवर टू यू गाइस। Oh,
फूल खिले